क्या ब्लॉगर पर बनी वेबसाइट गूगल में रैंक होती है या नहीं? अगर आपकी भी वेबसाइट ब्लॉगर पर है और आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा, गूगल से ट्रैफिक नहीं आ रहा, और आप ये सोच रहे हो कि मेरी वेबसाइट ब्लॉगर पर बनी है इस वजह से मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, और मैं अगर इसको वर्डप्रेस पर मूव कर दूंगा, वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बना लूंगा, तो मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी और उस पर ट्रैफिक आ जाएगा। सो अगर आप लोगों के मन में भी ये डाउट है कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को लेकर अगर हम ब्लॉगर यूज़ करते हैं तो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो हमारी वेबसाइट रैंक होगी, सो अगर आप लोगों के मन में भी ये डाउट है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना, प्रैक्टिकली विद प्रूफ विद लाइव स्टैट्स में आपको दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है, क्या रियली में ऐसा है कि ब्लॉगर की वेबसाइट रैंक नहीं होती और वर्डप्रेस की वेबसाइट ज्यादा रैंक होती है। सो मेक श्योर वीडियो शुरू से लास्ट तक का जरूर देखिएगा और मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है ब्लॉगिंग, एसईओ एंड मेक मनी ऑनलाइन प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू गेट नोटिफिकेशन डायरेक्टली इन टू योर मोबाइल फोन। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी क्वेरीज वगैरह आप वहां पर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर बनी हुई है चाहे वर्डप्रेस पर बनी हुई है, उससे आपके रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है। टोटली आपकी रैंकिंग आपके कंटेंट पे, आपके एसईओ पे, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज लगाते हो उस पर डिपेंड करती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर बनेगी तो ज़्यादा रैंक होगी, अगर आप सोच रहे हो कि वर्डप्रेस पर बनेगी तो ज़्यादा रैंक होगी, तो बिल्कुल गलत बात है। इसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का। रैंकिंग डिपेंड करती है आपके कंटेंट पर, आपके एसईओ पर। सो अगर आप लोग ब्लॉगिंग क्यों एंड चैनल को पहले से फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा मैंने चैनल पर एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने इमेज वेबसाइट बनाना आपको सिखाया था। तो ये इमेज वेबसाइट मैंने ब्लॉगर पर बनाई थी, तो उसका मैं आज आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि ब्लॉगर की वेबसाइट कैसे फर्स्ट पोजीशन पर, कैसे पहले पेज पर वो रैंक कर रही है बिना बैकलिंक के, बिना कुछ मेहनत के, सिर्फ कंटेंट डाला था और उसका ऑन पेज एसईओ करा था। सो मैंने तो ये सीरीज बना के छोड़ दी थी और इस वेबसाइट पर मैं काम भी नहीं कर रहा था, बट कल दो दिन पहले मुझे मेल आया कि जो मेरी ये वेबसाइट है ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे इमेजेस, अगर आप लोगों को पता होगा ये एक्सपायर हो रही है अगस्त 28 को। सो इस वेबसाइट पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ और ये एक्सपायर भी हो जाएगी, तो मैं इसे रिन्यू नहीं करवाने वाला हूँ। सो सिर्फ मैं आपको एक प्रूफ के लिए कि मुझे यहाँ पर, फिर मैंने जैसे ही मुझे ये मेल मिला मैंने चेक करा कि वेबसाइट बना के तो मैंने छोड़ दी थी, पर क्या ये कुछ, मतलब इसका कुछ रिजल्ट आया या नहीं, तो मैं देख के हैरान हो गया। सो पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये वेबसाइट है ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे इमेज .com, ये आप देख सकते हो यहां पर 28 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाएगी। मैं इससे रिन्यू भी नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि मैं इस पर एक्टिवली काम नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इस वेबसाइट पे कैसे इमेज वेबसाइट बनानी है उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी। तो इस वेबसाइट पर अभी देखो मैं इसके ब्लॉगर डैशबोर्ड में हूं और टोटल यहां पर सिर्फ 18 पोस्ट पब्लिश है। और जैसे ही मुझे ये मेल आया कि वेबसाइट एक्सपायर होने वाली, तो मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए एचरेफ में इसे डाल के देखा। सो मैं आपको दिखाता हूँ एचरेफ में डालने के बाद मेरे सामने क्या स्टेट्स आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको चीप प्राइस में एचरेफ परचेज करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ से आपको चीपेस्ट प्राइस में एचरेफ मिल जाएगा जहाँ से मैं यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एचरेफ में डाला ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे इमेजेस डॉट कॉम और यहाँ पर देख के आप, मैं खुद हैरान हो गया। इस वेबसाइट पर मैंने कोई काम नहीं करा था, ना मैंने कोई बैकलिंक बनाए, मैंने सिर्फ इस पे 15, 16, 17, 18 पोस्ट लिख के छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखो इस वेबसाइट के 220 ऑर्गेनिक कीवर्ड है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसका 57 दिखा रहा है लेकिन कहीं ज़्यादा इससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। सो अगर मैं इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड दिखाऊं, सो आप लोगों का डाउट यही है कि मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों की वेबसाइट ब्लॉगर पर बनी हुई है और आप लोग ये सोचते हो कि मेरी वेबसाइट ब्लॉगर पर है तो उस पे वो रैंक नहीं कर सकती गूगल में क्योंकि ब्लॉगर की वेबसाइट रैंक नहीं होती। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके कंटेंट पे, आपके एसईओ पे डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट रैंक होगी या नहीं। सो ये देखो 200 कीवर्ड हैं जिनमें से कुछ कीवर्ड तो फर्स्ट पेज पर है, पोजीशन आप देख सकते हो 4, 3, 2, 1, 1। सो मैं ऐसे ही, जैसे ये कीवर्ड है इसको भी हम सर्च करके देख लेते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा विशेष। तो इसे न्यू टैब में जाता हूँ मैं, यहाँ पर सिंपली सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखना हैप्पी बर्थडे बेटा विशेष, आप खुद चेकआउट कर लेना। सो मैंने सर्च करा पहले, दूसरे, तीसरे, देखो तीसरे पोजीशन पर, पहले ही पेज के तीसरे पोजीशन पर ये वेबसाइट रैंक हो रही है। मैं ओपन लिंक की न्यू टैब करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली पोस्ट बर्थडे विशेस फॉर सन एंड व्हाट्सएप स्टेटस फॉर सन, ये देख सकते हो आप तीसरे नंबर पर रैंक हो रही है। और इस पोस्ट में मैं अगर दिखाऊँ आपको, टोटल 18 पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा व्यूज़ आई थिंक इसी पोस्ट पर आए हैं। ये देखो बर्थडे विशेस फॉर सन
3000 से ज़्यादा लोग इस पोस्ट को विजिट कर चुके हैं। सो प्रूफ आपके सामने है कि डिपेंड नहीं करता आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है, वर्डप्रेस पर है। आप इस पोस्ट का कंटेंट भी देख लो, कुछ खास कंटेंट नहीं है, बस मेन बात ये है कंटेंट डाला है, उसका ऑन पेज एसईओ अच्छे से करा है और लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड था, तो ये ब्लॉगर पर भी रैंक हो गई। सो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आपके कंटेंट पे, आपके एसईओ पे, आपके कीवर्ड पर डिपेंड करता है, ब्लॉगर या वर्डप्रेस पर डिपेंड नहीं करता आपकी वेबसाइट रैंक होगी या नहीं होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड है, आप खुद अपनी तरफ से एनालाइज करना, आपको मेरी बात का पता चलेगा। अब मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूँ, इस वेबसाइट पर मैं काम नहीं कर रहा था। लास्ट पोस्ट अगर आप देखोगे, इस वेबसाइट पर मैंने लास्ट पोस्ट डाली है अक्टूबर 24, 2019 को, आई थिंक 9 महीने पहले इस पर लास्ट पोस्ट डाली थी और ये अब एक्सपायर होने वाला है। तब मुझे याद आया कि भाई मेरी ऐसी कोई वेबसाइट भी पड़ी हुई है, सो मैं इसे रिन्यू नहीं करने वाला हूँ। और हालांकि इस वेबसाइट पर अगर काम करूँ तो मैं अभी यहाँ से अच्छा खासा रिवेन्यू निकाल सकता हूँ, बट मेरे को इस पर काम नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से बाकी मेरी वेबसाइट इफेक्ट होंगी। और इस वेबसाइट पर हालांकि media.net का अप्रूवल भी मिल रखा है, मैं आपको उसका भी प्रूफ अगर आपको दिखाऊँ तो ये मैं जाता हूँ अपने media.net के अकाउंट में। यहाँ पर मैं आ गया हूँ media.net के अकाउंट में और यहाँ पर जाता हूँ साइट वाले सेक्शन में। तो जैसे ही मैं साइट वाले सेक्शन में जाता हूँ, आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख जाएगी, आपको सबसे टॉप पर यही वेबसाइट दिखेगी, ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे इमेजेस, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्रूव, यानी कि इस वेबसाइट पर media.net का अप्रूवल भी मिला हुआ है। सो इस पर मैंने एड्स वगैरह नहीं लगाई हुई है क्योंकि सिर्फ ये एक डेमो वेबसाइट थी जो आप लोगों को दिखानी थी। और यहाँ पर अगर मैं इस पर काम करता, ये देखो सिर्फ 18 पोस्ट ही डाली है और यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट भी आ रहा है। अगर इस पर मैं काम करता, अच्छे से काम करता, तो एडसेंस का अप्रूवल लेके एडसेंस से भी अर्निंग मैं यहाँ से कर सकता था। और अब बात करते हैं रियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, तो मैं यहाँ पर आपको एनालिटिक्स का प्रूफ भी दिखा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। सब कुछ मैं आपको फ्रेश जाके दिखा रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट, कोई भी यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं है, सब कुछ मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, सब कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूँ। सो अभी भी अगर आपका ये डाउट है कि ब्लॉगर पर वेबसाइट रैंक नहीं होती, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अपने कंटेंट पर ध्यान दो, अपने एसईओ पर ध्यान दो, आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर भी रैंक होगी। सो इसको हम जाते हैं ऑडियंस ओवरव्यू में। सो देखते हैं ये जो महीना है, इस महीने में टोटल कितना ट्रैफिक आया है। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट पोस्ट मैंने 9 महीने पहले डाली थी। सो इसके हम एनालिटिक्स में जाते हैं और यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा जुलाई मंथ। तो यहाँ पर हम July 1 से July 31 तक टोटल यहाँ पर यूज़र आए हैं 1142, ठीक है, 1142 आए हैं। उसमें से भी हम देख लेते हैं कि इतने में से कितने यूज़र्स यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक आए हैं। सो 1142 लोगों में से यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ऑर्गेनिक, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बंदे आए हैं ऑर्गेनिक, 818 बंदे यहाँ पर ऑर्गेनिक से आए हैं, उसके बाद सोशल से आए हैं, उसके बाद डायरेक्ट आए हैं। और ऑर्गेनिक सर्च पे भी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, सो आपको दिख जाएगा कि कौन से कीवर्ड पर आए हैं। ये देखो बेटा, बर्थडे स्टेटस, हैप्पी बर्थडे, मतलब वही एक पोस्ट और भी जो रिलेटेड पोस्ट है वो इसकी रैंक कर रही है। सो इस वेबसाइट को आप देख सकते हो। सो मेरा मेन इस वेबसाइट को दिखाने का, इस वेबसाइट को बताने का आपका मेन मोटिव यही था कि आप ये सोच रहे हो कि ब्लॉगर पर वेबसाइट रैंक नहीं होगी, वर्डप्रेस पर रैंक होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है, बढ़िया कंटेंट डालो, बढ़िया एसईओ करो, उसका ऑन पेज करो, ऑफ पेज करो, डेफिनेटली वो ब्लॉगर पर भी रैंक होगी। सो ये वेबसाइट वैसे तो एक्सपायर ही होने वाली, मैं इसको रिन्यू नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इस पर काम करना ही नहीं है, पिछले 9 महीने से भी इस पर काम नहीं कर रहा हूँ। बट एक प्रूफ के लिए आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप 28 अगस्त के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है आपको ये वेबसाइट लाइव ना दिखे। सो उस चीज़ की टेंशन मत लेना, बस इस वीडियो में मैंने आपको प्रूफ के लिए दिखाया कि ब्लॉगर पर भी वेबसाइट रैंक होती है। मैंने अपना खुद का प्रूफ दिखाया, ऐसे ही कोई रैंडम वेबसाइट लेके नहीं दिखा रहा हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना डाउट क्लियर हुआ या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।